पौड़ी में दो दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल दिन भर से लगातार बारिश होती रही। पौड़ी के सभी क्षेत्र कोटद्वार, श्रीनगर, सतपुली सहित समस्त ग्रामीण इलाकों में भी बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और पौड़ी में लोगों ने फिर से गर्म कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। वहीं काशीपुर के केलाखेड़ा के गांव रामपुर काजी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 24 घंटे से लगातार तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश की चपेट में आकर ईंट भट्टे की एक दीवार दो झोपड़ियों के ऊपर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, मौसम विभाग द्वारा पहले भी बारिश की चेतावनी दी गई थी, इसी के चलते करीब 24 घंटे से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। वहीं गुरुवार को केलाखेड़ा के ग्राम रामपुर काजी में स्थित न्यू सकलानी ब्रिक ईंट भट्टे की एक दीवार अचानक दो झोपड़ियों के ऊपर गिर गई। दीवार गिरने से झोपड़ी में सो रहे मजदूर मुकेश और शंकर की मौके पर ही जान चली गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि ये रात भर जो बारिश हुई है और उसके बाद जो हवा आंधी तूफान चला है, तो ये रामपुरा काजी केलाखेड़ा में यहाँ पर ईंट भट्टे हैं और वहाँ पर दो मजदूर थे ईंट भट्टों में काम करने वाले, शंकर सन ऑफ काशीराम और मुकेश। ये दोनों लोग की ये सो रहे थे और वो कच्ची ईंटें उनके ऊपर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर SO और हम लोग गए थे, पंचायतनामा भर के अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में फिर से ग्लेशियर टूटने की भी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये ग्लेशियर माणा गांव के आसपास का है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये चमोली जिले की तस्वीर बताई जा रही है। वहीं चकराता तहसील के अंतर्गत कवारसी के पास खेड़ा बिजनाड़ में कोहला निवासी कुछ ग्रामीण किसानों की झोपड़ी है, जहां बादल फटने से बिजनाड़ में रह रहे स्थानीय तीन ग्रामीण परिवारों की झोपड़ी पर पहाड़ से भारी मात्रा में जलजले के रूप में मलबा आ गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक और दो लड़कियों समेत तीन लोग मलबे के नीचे दबने से लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों के पशु और मवेशी भी मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना के तुरंत बाद SDM संगीता कन्नौजिया के निर्देश में तहसीलदार पूरन सिंह तोमर के नेतृत्व में चकराता में SDRF की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई। घटनास्थल सड़क मार्ग से 2 किलोमीटर दूर पैदल है। आसपास के लोग राहत बचाव काम में जुट गए। वहीं चमोली में भी भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश से ओलावृष्टि की जानकारी भी मिली। ओलावृष्टि होने से लामबगड़ नाला उफान पर आ गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले के ऊपर मालवाहक ट्रक चालक और परिचालक भी फंस गए और दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई।